जन्म के पूर्व किए गए अल्ट्रासाउंड में नवजात शिशु का गलत अल्ट्रासाउंड रिपोर्ट दिए जाने के प्रकरण में जिला प्रशासन द्वारा सील किए गए अल्ट्रासाउंड सेंटरों पर आपत्ति व्यक्त करते हुए आईएमए के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि जिला प्रशासन द्वारा गलत तरीके से 3 अल्ट्रासाउंड सेंटरों को सील किया गया है, जिसके वैज्ञानिक तथ्य पर जिला प्रशासन ने ध्यान नहीं दिया है। भारतीय चिकित्सा संघ आईएमए गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि अगर अल्ट्रासाउंड सेंटरों के ऊपर इस तरह कार्रवाई की जाएगी तो चिकित्सक किस आधार पर जनता की सेवा करेंगे। डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा कि हो सकता है कि अल्ट्रासाउंड करने में कोई चूक हो गई हो, लेकिन हम इसे अपनी तरफ से कोई भी गलती नहीं मान रहे हैं। एक सवाल के जवाब में आईएमए गोरखपुर के अध्यक्ष ने कहा कि पीड़ित परिवार तथा उनके बच्चे के प्रति आईएमए ने अपनी संवेदना व्यक्त करता है। उन्होंने कहा कि पूरे प्रकरण को लेकर 3 जनवरी को एक प्रतिनिधि मंडल प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से मिलकर अपनी बातों को रखेगा, उसके बाद जो भी निर्णय आएगा उसके बाद आगे की रणनीति तैयार की जाएगी। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए भारतीय चिकित्सा संघ के गोरखपुर इकाई के अध्यक्ष डॉक्टर मंगलेश कुमार श्रीवास्तव ने कहा सर, सबसे पहले नौ वर्ष की ढेर सारी बधाइयां सभी को। सर, मामला ये है कि जो शहर के हमारे 3 विशेषज्ञों के अल्ट्रासाउंड सेंटर को जो सील कर दिया गया है, ये हमारे लिए सबसे बड़ी परेशानी का विषय है। और हमारा ये मानना ही नहीं, वैज्ञानिक तथ्यों पर ये मानना है कि जो है हमारे सेंटर्स को गलत तरीके से सील कर दिया गया है, गलत धाराओं में, गलत चीज़ों में सील कर दिया गया है, ये सबसे बड़ी समस्या है। और जिस तरह का आरोप हमारे ऊपर लगाया गया है, अगर कहीं गलती से वो सिद्ध भी होता है तो ये कंज्यूमर फोरम का मामला है, न कि जो है ये इस तरह का मामला है कि सेंटर को सील कर दिया जाए। ये सब भी बहुत ज़रूरी प्रक्रियाएं होती हैं कि अल्ट्रासाउंड को जो है एक ज़रूरी हथियार कह लीजिए डॉक्टर का है, उनको आपने बंद कर दिया, वो डॉक्टर कैसे, अगर मान लीजिए प्रैक्टिस भी करना चाहेगा तो नहीं कर सकता। जिसका केवल अल्ट्रासाउंड सेंटर है उसका तो खैर बंद ही कर दिया आपने। अब समस्या ये है कि इन सेंटर्स को अगर आप अविलंब नहीं खोलेंगे तो ये हमारे लिए बड़ी परेशानी का विषय है। इस तरह से हर डॉक्टर ही काम कैसे कर पाएगा, तो इसलिए बहुत आवश्यक है कि इन सेंटर्स को शीघ्रातिशीघ्र खोलने की कृपा की जाए। पीड़ित का कहना है कि 4 जगह उसने अल्ट्रासाउंड कराया था और रिपोर्ट सेम आए हैं, जो कि हाथ नहीं है, एक हाथ और नाम और ललाट की बात जहाँ तक मानी जाती है वहाँ कोई बात नहीं है, वो कह रहा हाथ भी नहीं है, एक और एक हाथ है, उसके बावजूद इस तरह रिपोर्ट दिया गया। देखिए, जो अल्ट्रासाउंड होते हैं वो अलग अलग समय पर अलग अलग चीज़ों के लिए किए जाते हैं, ये नहीं होता। जैसे पहला जो अल्ट्रासाउंड लगभग 8-9 हफ्ते पे हुआ है, वो केवल ये बताता है कि एम्ब्रियो केवल बना है कि नहीं बना है, उसमें उस समय तक अंगों का विकास नहीं होता है। तो जब अंगों का विकास नहीं होगा तो उस समय का अल्ट्रासाउंड तो वो अलग ही हो गया, उसमें आप कुछ कर ही नहीं सकते। आगे भी जो हुए हैं उनमें भी हम लोगों ने कल कमिश्नर महोदय से, असिस्टेंट कमिश्नर महोदय से हम लोगों की मुलाकात हुई और उन्होंने हम लोगों को भी इंट्रोगेट किया। हम लोगों ने उनमें सारी जितने भी अल्ट्रासाउंड की किताबें हैं उसमें ये उनको बताया कि जो है, और उसके रेफरेंसेस भी उनको दिए गए कि साहब इसमें लिम्स की प्रोबेबिलिटी जो है केवल 12% में सही से 18% जो है, जबकि आप सोचिए कि 82% में आप मिस कर जाते हैं विश्व के बड़े बड़े सेंटर्स में। तो आप ऐसे में अगर ये यहाँ भी कोई इस तरह का जो प्रतिबिंब अगर हमें नहीं दिखा, और आप खुद सोचिए कि बाद में जो 3 अल्ट्रासाउंड हुए उनमें सब में वो चीज़ें मिस हुई, ऐसा तो है नहीं कि जो है एक से मिस हुआ, दूसरा से मिस हुआ, तीसरे से मिस हुआ, कोई ना कोई इस तरह की परेशानी होगी जिसकी वजह से ये मिस होते गए। ऐसा तो नहीं है कि जो है वो डॉक्टर ने जानबूझकर आपको मिस कर दिया। उस तरह के प्रतिबिंब जिस तरह के बनते हैं उसी तरह तो आप बताएंगे, तो जिस तरह से प्रतिबिंब जो आया सभी लोगों ने उसी तरह से रिपोर्ट किया, और किताबों का भी रेफरेंस जैसा कि आप, मैंने बताया ही आपको कि करीब 82% में आप मिस कर जाते हैं, तो आप कैसे कह सकते हैं कि जो है डॉक्टर पूर्णतया दोषी है। मान होता बस विकलांग जो बच्चा हो गया इस समय उसके लिए आईएमए कुछ करेगा? आईएमए हम की हमारी उसके साथ बहुत बहुत सिंपैथी है और आज भी कर रहा है। आप लोग पता नहीं आज भी कर रहा है। मुख्यमंत्री जी से मिलने की प्लान है क्या? जी हाँ, कल हमको सुबह 10 बजे का समय मिला है, हम लोग मुख्यमंत्री से मिलकर अपनी बात को वैज्ञानिक तरीके से वहाँ रखने की कोशिश करेंगे। वैज्ञानिक साक्ष्यों के आधार पर हम समझते हैं कि हमारी बातें वहाँ सुनी जाएंगी और एक सही निर्णय हमें मिल पाएगा। ये जिलाधिकारी से कोई वार्ता हुई?
हाँ, जिलाधिकारी ने ये कहा कि जो है अपनी बात उन्होंने बताई कि जो है साहब हम लोगों ने उनको बताया तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसको फिर जो है एक हाई लेवल की मीटिंग रख के और इसमें निर्णय करने की कोशिश करेंगे। तो कुछ समय भी निर्धारित किया है कितने दिन में अगर सील नहीं खुलता है, मान लीजिए जो उन्होंने वो यही तो हमारी परेशानी है कि उन्होंने समय निश्चित नहीं दिया। हम लोग भी यही चाहते थे कि जल्दी से जल्दी अगर वो कर दें तो हमारा ये काम जो है सुचारू रूप से हो जाए। इस समय तक नहीं सील खोला गया तो कुछ आगे का आंदोलन या कुछ ये हम लोग जो है मुख्यमंत्री महोदय से मिलने के बाद ही निश्चित करेंगे।